नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एस न्यूज। देखिए, बिहार में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर लगातार छापेमारी हो रही है। ऐसे में आज फिर से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से एक का नाम मनीष बताया जा रहा है, मनीष प्रकाश, तो वहीं दूसरे का नाम आशुतोष बताया जा रहा है। इन दोनों से पूछताछ करेगी नीट मामले को लेकर सीबीआई। आप सभी को मैं बता दूं कि 26 जून को नीट पेपर लीक मामले का जांच सीबीआई ने बिहार पुलिस के ईओयू से अपने हाथ में ले लिया था और उसके बाद लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त सीबीआई बिहार समेत कुल 6 राज्यों में पूछताछ कर रही है, जिनमें 5 राज्यों में गिरफ्तारी तक हो चुकी है। पटना और हजारीबाग में पेपर लीक के सबूत भी मिले हैं। इन दोनों जगहों पर स्कूल हैं जहां पर अभ्यर्थियों को लाया गया था 20 से 25 की संख्या में, जहां पर प्रश्न पत्र रटवाया गया था ताकि जो रिजल्ट है वो सही हो जाए पेपर लीक होने के बाद। इसके सबूत भी मिले हैं हजारीबाग के स्कूल में, जहां पर जले हुए बुकलेट्स के टुकड़े मिले हैं जिसमें नीट के पेपर के सवाल हो सकते हैं। अब इसको लेकर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इसी मामले को लेकर सीबीआई आज पटना के बेउर जेल से 2 अभियुक्तों को भी अपने साथ ले गई, जिनमें से एक बलदेव और दूसरा मुकेश है। बलदेव और मुकेश ही वो इंसान था जिसने हजारीबाग के अंदर स्कूल को रात भर के लिए बुक किया था, जहां पर बच्चों को लाकर प्रश्न पत्र को रटवाना था। तो वहीं पर पटना से जो गिरफ्तारी हुई मनीष प्रकाश और आशुतोष की, इन दोनों ने पटना में प्ले एंड लर्न स्कूल को बुक किया था रात भर के लिए, जहां पर अभ्यर्थियों को 20 से 25 की संख्या में लाया गया था और उसे प्रश्न पत्र रटवाया गया था। तो अब एक एक करके लगातार सीबीआई जिस प्रकार से जांच कर रही है, कई अन्य राज्यों में भी नीट पेपर लीक के जो सबूत हैं वो मिल रहे हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत तकरीबन 6 राज्य जहाँ पर पेपर लीक के सबूत मिले हैं। अब सीबीआई कोशिश कर रही है कि इन सभी 6 राज्यों के जो गिरफ्तार हुए लोग हैं उनसे पूछताछ कर ये पता करने का प्रयास किया जाए कि मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि 6 अलग अलग राज्यों में पेपर तो लीक हुए हैं, लेकिन सीबीआई को शक है कि इन 6 राज्यों में पेपर लीक करवाने वाला कोई एक ही है, कोई एक ही मास्टरमाइंड है जिस तक अभी सीबीआई की पहुँच नहीं है। लेकिन सभी गिरफ्तार लोगों से अलग अलग पूछताछ कर रही है सीबीआई और उनके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। अलग अलग जगह पर अकेले अकेले में सबसे पूछा जा रहा है, सबके बयान है उनको मैच किया जा रहा है और उसके आधार पर सीबीआई लगातार नए नए नामों को अपने केस में जोड़ते जा रही है और इससे अलग अलग लोगों के साथ कड़ी जुड़ते जा रही है। तो अभी तक तकरीबन 40 के आसपास अभ्यर्थियों के इसमें शामिल होने की खबर है, जिसमें 20 से 25 जो हैं वो हजारीबाग के सेंटर पे आए थे पर इस प्रश्न पत्र को रटने के लिए, तो 20 से 25 के आसपास पटना के सेंटर पे भी आए थे। तो इन्हीं सभी को मिलाकर जो है वो लगातार जांच चल रही है, इनमें कौन कौन अभ्यर्थी थे इसको भी खंगाला जा रहा है। जो बुकलेट मिला है वो बुकलेट को भी FSL की टीम अपने साथ ले गई है और उसमें जाँच पड़ताल करने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस बुकलेट में है क्या। एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि हजारीबाग के जिस स्कूल में पेपर लीक होने के सवाल खड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चों को ले जाकर प्रश्न पत्र रटवाने का बात कहा जा रहा है, उसी के प्रिंसिपल की भी गिरफ्तारी हुई है और प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है, प्रिंसिपल पे भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो थे वो एक प्राइवेट कुरियर एजेंसी के द्वारा बैंक में भेजे गए थे, लेकिन बैंक से पहले वो क्वेश्चन पेपर्स जो थे वो उसी सेंटर पे पहुंचे थे जहां पर के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की गई। तो एक सवाल अब वहां पे भी खड़ा होने लगा है कि आखिर प्रश्न पत्र वहां पे पहले कैसे पहुंचे। दूसरा सवाल ये था कि जब परीक्षा 1:30 बजे से शुरू होना था तो 15 मिनट विलंब से सवाल क्यों पहुँचे। तीसरा सवाल ये था कि जो पैकेट थे जिसमें प्रश्न पत्र भेजे गए थे उसमें कट मार्क्स पाए गए वो कैसे आए। उसके बाद एक और सवाल था कि जो पैकेट था उसे सावधानीपूर्वक खोलकर फिर से बंद किया गया था, तो ये सब कैसे हुआ, इसको लेकर प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं है। जबकि सीबीआई का कहना है कि जिम्मेदारी उनकी है तो उनको जरूर पता होगा कि आखिर ये कब फटा और कैसे फटा, क्योंकि उनको चेक करके ही सवालात को आगे बढ़ाना था। तो इसी सभी मुद्दे को लेकर लगातार सीबीआई छापेमारी कर रही है नीट मामले को लेकर, और छापेमारी लगातार हर जगह पर जारी है।